मैं बचपन से ही बॉलीवुड मूवीज़ का फ़ैन रहा हूँ और डिफरेंट एक्टर्स को देख देख के मैं उनकी डिफरेंट हेयर स्टाइल्स को कॉपी करने की कोशिश करता था। पर ये चीज़ आपको इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे दिख जाएगी, जहाँ सिनेमा एक्टर्स से इंस्पायर होके इंडियन मैन डिफरेंट हेयर स्टाइल्स कॉपी करते हुए आए हैं बहुत लंबे टाइम से। बाय द वे, हाय, माय नेम इज़ मोहित। मैं इस चैनल पे मेंस ग्रूमिंग, मेंस फैशन से रिलेटेड बात करता हूँ, तो अगर आप भी इसमें इंटरेस्ट रखते हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप और मैं मिलकर कम्युनिटी बिल्ड कर सकें। अब जैसे जैसे फिल्म इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लोग और नई डिफरेंट हेयर स्टाइल्स के साथ आ रहे हैं, और कुछ एक्टर्स के ऊपर उनकी हेयर स्टाइल ऐसी लगती है जैसे वो उनके लिए ही बनी हो। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करें हम चलते हैं अपने पहले एक्टर पे, जो कि है विजय देवरकोंडा सर। अब मुझे विजय देवरकोंडा सर की हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड उन्होंने अपनी अपकमिंग मूवी लाइगर के लिए जब बाल बढ़ाना शुरू किए थे, उन्हें से इंस्पायर होके मैंने भी अपनी हेयर ग्रोथ जर्नी शुरू करी थी, एंड लकीली उनके और मेरी हेयर का टेक्स्चर सेम है, जो कि वेवी है। अब वैसे तो मैंने विजय सर की हेयर स्टाइल को कैसे अचीव करना है उसके लिए एक पूरी वीडियो बना रखी है, पर अगर इसका एक छोटा सा ग्लिम्स मैं आपको बताऊं, तो आपके बालों का टेक्स्चर बहुत ही ज़्यादा वेवी होना चाहिए, और उसी के साथ आपकी हेयर डेंसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और बाकी पूरा एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो में मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आई बटन पर छोड़ दूंगा, जो कि यहाँ है या यहाँ है। ओके, तो चलो हम चलते अपनी अगली हेयर स्टाइल पे, जो कि है द ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन सर की। अब ऋतिक रोशन सर ने अपनी पूरी एक्टिंग करियर में बहुत सारी डिफरेंट हेयर स्टाइल्स रखी हैं, फ्रॉम जोधा अकबर टू गुजारिश, पर ऑनेस्टली अब वो सारी हेयर स्टाइल्स आउट ऑफ ट्रेंड हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सर के दो लुक्स डिस्कस करूँगा। नंबर वन पे है वॉर मूवी हेयर कट। अब ऑल दो वो एक नॉर्मल साइड फेड हेयर कट था, पर दो चीज़ों ने उसके अंदर डिटेल्स ऐड कर दी। नंबर वन, शायद सर ने अपने पूरी एक्टिंग करियर में शायद ही कभी साइड फेड हेयर कट रखा था, इसलिए उन्हें इस लुक में देख के लोगों को वो लुक इतना ज़्यादा पसंद आया। सेकेंडली, इससे पहले वाली मूवी सुपर 30 में ऋतिक सर बिल्कुल आउट ऑफ शेप हो गए थे, और उनकी फिजिक एंड उनकी हैवी बियर्ड उनके हेयर स्टाइल को उतना ही कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। सेकेंड लुक जो अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है सर का, वो उनका है किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए है। अब उसका मेरा एनालिसिस ये है कि उसके लिए सर ने बाल लंबे करे हैं, पर उनके हेयर ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी उन्होंने गुजारिश मूवी के लिए करी थी। जस्ट दैट उन्होंने अपने बालों के अंदर स्ट्रेटनिंग करा ली है, जिससे वो ज़्यादा लंबे लग रहे हैं। उसी के साथ साथ उनके बालों को कॉम्प्लीमेंट कर रही है उनकी हैवी बियर्ड, एंड ये दोनों मिलकर उनको एक मैस्कुलिन फ्रेम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये दोनों हेयर स्टाइल्स मेरी ऋतिक सर की करंट फेवरेट हेयर स्टाइल में से दो हैं। बाय द वे, अगर आपको बाल बढ़ाने में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है मोहित, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। सो चलो हम चलते हैं अपने अगले एक्टर पे, जो कि है शाहिद कपूर सर। अब शाहिद कपूर सर को आप एक्चुअल में एक वर्सेटाइल एक्टर बोल सकते हो। उन्होंने अपनी अलग अलग मूवीज़ पद्मावत, हैदर, पाठशाला, शानदार, इन सभी मूवीज़ के अंदर इतनी हेयर स्टाइल्स को इतने अच्छे से कैरी किया है कि आप इन्हें एक्चुअल में एक ट्रेंड सेटर बोल सकते हो। अब शाहिद कपूर सर की हेयर स्टाइल इतनी सारी है कि उसके ऊपर एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी, पर एक चीज़ जो आपको नोटिस करनी चाहिए वो है उनकी हेयर क्वालिटी का टेक्स्चर। अब शाहिद कपूर सर की हेयर क्वालिटी का टेक्स्चर बहुत ज़्यादा सिल्की है, उनके बालों के अंदर एक परफेक्ट स्पाइक लुक अचीव नहीं हो सकता है। पर यही तो चीज़ है जो उन्हें बाकी सबसे अलग स्टैंड आउट कराती है। उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि उनकी हेयर क्वालिटी का टेक्स्चर स्मूथ एंड सिल्की है, फिर उसके अराउंड उन्होंने इतनी सारी हेयर स्टाइल ट्राई कर ली कि उन्हें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी स्पाइक्स हेयर स्टाइल की। तो आप भी अपनी हेयर स्टाइल जानो, एंड देन गूगल के ऊपर सर्च करके डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल सर्च करो, एंड देन उन्हें ट्राई आउट करो, एंड देखो कि आपके ऊपर कौन सी बेस्ट रहती है। चलो तो हम चलते हैं अपने अगले एक्टर पे, जो कि है शाहरुख खान सर। अब वैसे तो आप और मैं सभी जानते हैं ही इज़ द किंग ऑफ बॉलीवुड, और इस लिस्ट में उनका नाम इसलिए है क्योंकि उनकी जो एवरग्रीन हेयर स्टाइल है वो ऑल दो इतनी डिफरेंट हेयर स्टाइल नहीं है, पर जिस तरह वो उनकी पर्सनैलिटी को कॉम्प्लीमेंट करती है, वो चीज़ उस हेयर स्टाइल को स्पेशल बना देती है। एक चीज़ जो उनके बालों को बाकी सबसे स्टैंड आउट कराती है वो है उनके बालों का वेट लुक। वो चाहे कोई सी भी हेयर स्टाइल रखें, उनके बालों में हमेशा वो वेट लुक प्रेजेंट रहता है, और वही चीज़ उन्हें बाकी सबसे स्टैंड आउट कराती है। एक लुक शाहरुख सर का जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है उनका मैन बन लुक जो उन्होंने डॉन 2 में रखा था, और वो अब वो वापस अपनी अपकमिंग मूवी पठान में लेकर आ रहे हैं। अब आप इसे मेरा लंबे बालों से ऑब्सेशन कह लो,
या आपको भी वो उस मैनबन हेयर स्टाइल में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो ये थी मेरी आज की सिलेक्टेड हेयर स्टाइल्स पूरे बॉलीवुड में से जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आपको इसके अलावा और कौन से एक्टर्स की हेयर स्टाइल का ब्रेकडाउन देखना पसंद है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो शायद इन हेयर स्टाइल्स को ट्राई आउट करना चाहता हो। अंटिल देन सी यू, बाय।